Welcome to the online class of our brand new chapter, which is electricity. So today we are going to start with the basic lecture of electricity and how you are going to define the electricity. कैसे आप define करते हैं electricity को, वो चीज़ आपने यहाँ पर अभी discuss करनी है, ठीक हो गई बात ये? तो क्या है भाई electricity? अब आपके जहन में तो एक ही बात होगी कि electricity क्या है, current है सर, वो जो लग जाता है हमको, अक्सर अगर हम socket में हाथ लगा दें तो भी हमारे पास जो है वो current लग सकता है, बिल्कुल ऐसे ही वो current है, लेकिन वो current या चार्ज पैदा कहाँ से होता है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ एटम। वो जो एटम है हमारे पास, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से बनता है, और हर एटम जो है तीन पार्टिकल से जो है वो कनेक्टेड होता है। कौन से तीन पार्टिकल से कनेक्टेड होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की रेजिडेंशियल प्लेस क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? ऑर्बिट्स में रहते हैं। और इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गई बात, ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये इसके अंदर हमारे पास कि यहाँ पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें उस एटम में से, तो इट बिकम द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो इट बिकम द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती उसमें ऐड कर दें तो इट बिकम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि ऐड कर दिए तो एक्स्ट्रा आ गया, अब वो निकालने के लिए बेचैन रहेगा, उसको तो ख़त्म होता चला जाएगा। यही सारी डिस्कशन जो है मैटर की, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ अ मैटर की, वो यहाँ पर हमारे पास डिटेल में आ रही है। अगर आप इस स्लाइड को गौर से देख रहे हैं और आपको ये रीडिंग्स की आदत है, तो ये तमाम की तमाम डिस्कशन यहाँ पर मौजूद है। ये सब चीज़ें जो है मैं आपकी किताब में भी मौजूद है, और मैंने यहाँ पर इनको गो थ्रू करने की कोशिश की है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आपको याद हो, सर्दियों में हम जो एक स्केल का पीस होता है, या इस तरीके से पेन जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये पेन होता है, इसको आप रब करें अपने हेयर्स के साथ और फिर किसी कागज़ के पीस के पास लगाएं, तो इट विल स्टार्ट स्टिकिंग विद दैट पेपर। उस पेपर के साथ क्या होना शुरू हो जाएगा? स्टिक या चिपकना शुरू हो जाएगा। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज दिस इन चार्ज पार्टिकल, दिस न्यूट्रल पार्टिकल बिकम द चार्ज, एंड इफ इट इज बिकमिंग अ चार्ज पार्टिकल, तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट अदर पार्टिकल एंड ट्रांसलेट देयर चार्जिंग इन टू दैम। ठीक है, उसके अंदर वो जो है वो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वी हैव अ टू वेरी बेसिक टर्म्स, दो बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सही है। अच्छा, इंसुलेटर और कंडक्टर को समझने के लिए हमें एक और बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान एक चीज़ होती है, विच वी कॉल द सेमी कंडक्टर। सो वॉट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर द मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बेसिक डेफिनेशन। और अल्टरनेटिवली वी कैन से कि दैट डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू दीज थिंग्स, अपने अंदर से चार्जेस को गुजरने नहीं देते, तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह जो है, ये हमारे पास इंसुलेटर की मिसालें हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द कंडक्टर इज टोटली अपोजिट टू डेट ऑफ द इंसुलेटर। वट आर द कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस और द मटेरियल विच कैन बी एबल टू कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर सेल्फ, अपने अंदर से हीट, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दे रहे होंगे, और ये क्या कहला रहा होगा हमारे पास? कंडक्टर कहला रहा होगा। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंडक्टर्स आर द एनी ऑफ द मेटल लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा, सिल्वर वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो दीज आर द थिंग विच वी कॉल द कंडक्टर। सो देयर इज अ इंटरमीडिएटरी टर्म बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान एक और टर्मिनोलॉजी भी हमारे पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। अगला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी पूरी दुनिया जो है सेमी कंडक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। होता क्या है उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इफ सम इंसुलेटर्स आर डोप्ड विद द कंडक्टर, इंसुलेटर के साथ कंडक्टर को डोप कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो दे विल
फॉर्म द सेमीकंडक्टर्स। तो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, आज हमारे इन लेक्चर्स का स्कोप ये नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट और डिस्कस अबाउट द दोज थिंग्स विच आर द कंडक्टर नॉट द इंसुलेटर, बिकॉज वी वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। अ मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, एक मूविंग चार्ज जो होगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इस जमन में इस चैप्टर को दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। दीज टू थिंग्स आर, पहले कौन कौन, ये वही एग्जाम्पल्स आ रही, दीज टू थिंग्स आर कौन कौन सी हो गई दो जी, कौन कौन सी हो गई मुझे बता दें, ये दो चीज़ें कौन कौन सी हो गई हैं आपके पास, एक इंसुलेटर एक कंडक्टर हो गया। तो एक तो रुका हुआ चार्ज हो गया और दूसरा मूविंग चार्ज हो गया। जो रुका हुआ चार्ज है वो हमारे पास चार्ज कहलाता है, जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास चार्ज कहलाता है, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास करंट बन जाता है। फॉर द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें तो ये बात आपको समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे देखें सेमीकंडक्टर के बारे में इन्होंने छोटी सी एक लाइन कही हुई है, वो मैंने आपको समझा दी यहाँ पर बता दी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अगला चलेगा, दैट इज कंसर्निंग अबाउट अ वेरी पॉपुलर लॉ विच वी कॉल द कॉलम्स लॉ। ठीक है, तो कॉलम्स लॉ के इर्द गिर्द घूमेगा हमारा जो टॉपिक है, कॉलम्स लॉ होता क्या है। वी विल शॉर्टली गोइंग टू स्टार्ट द कॉलम्स लॉ, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन अबाउट द चार्ज एंड द कॉलम लॉ। हेलो व्यूअर्स, इफ यू लाइक अवर ऑनलाइन लेक्चर सो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल्स the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor Official. ओके, सो कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है, कूलम साइंटिस्ट था और कूलम ने क्या बात बताई थी उसको ज़रा सा गौर से देखते हैं हमारे पास। उसने कहा था कि देर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज। व्हाट आई मीन बाय द सेइंग द वर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इफ टू सिमिलर चार्जेस कंबाइंड टूगेदर एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस अ रिपल्शन, एंड इफ द अपोजिट चार्जेस आर क्लोजिंग टू ईच अदर सो इट मीन्स दे गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। लेट्स से द चार्ज ऑफ अ बॉडी ए इज Q1 एंड द बॉडी बी इज Q2। ये हमारे पास नजर आ रहा है कि दो चार्ज बॉडीज हैं, व्हेन दे आर डूइंग द अट्रैक्शन इफ दे आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इफ दे हैव अ पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल रिपेल, एंड सिमिलरली इफ दे आर सेम नेगेटिव चार्जेस और लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। दिस स्लाइड इज वेरी मच सेल्फ कन्विंसिंग एंड एग्जाम्पलेट इटसेल्फ। आगे चलते हैं, तो ये दो चार्जेस हैं, वो कहता ही है कि ये जो दो चार्जेस हैं इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगी, दैट फोर्स विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होंगी, एक दूसरे के चार्जेस के बराबर होंगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक होगी बात यहाँ तक, ये बात जब आपको समझ में आ जाती है तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू, और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कह रहे हो कि सर सब चीज़ें तो जबानी बताई जा रहे हैं, नहीं बेटा जबानी नहीं, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। सो लेट्स मूव ऑन आवर एक्चुअल टॉपिक, हम इसको डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं और गो थ्रू करते हैं। ऑलराइट, सो हेयर वी गो विद द टू चार्जेस, फोर्सेज एक्टिंग F1 ऑन द बॉडी 2 एंड F2 ऑन द बॉडी 1 विद द पॉजिटिव चार्ज एट द वन साइड विच वी कॉल द Q1। तो जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो इतनी फोर्स लगा रहा है, 1-2 लगा रहा है, इसी तरह से एक और नेगेटिव चार्ज है माइनस, और ये आपके पास Q2 चार्ज कहलाएगा। इट इज़ अप्लाइंग द फोर्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन 2-1, F1-2 के जवाब में F2-1 है बट बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सिंस दीज चार्जेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलरली क्विकली मूव ऑन विद द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगला चार्ज भी पॉजिटिव है, इफ दीज आर द टू पॉजिटिव चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर सो देयर फोर्स विल बी एक्सर्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। यहाँ तक बात समझ में आती है, सो लेट्स कम अप विद द थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो कूलम्स लॉ को हमें समझना है, तो इसमें ये बॉडी ए है और दिस इज अ बॉडी बी। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज वैल्यू है दैट इज अ Q1 एंड द चार्ज वैल्यू ऑन द बॉडी बी इज Q2 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज टू द सेंटर ऑफ दिस चार्ज इज आर। ये बात समझ में आ रही है कूलम्स लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन कंक्लूड द फर्स्ट स्टेटमेंट लाइक दिस, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। व्हाट आई मीन बाय द वर्ड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस,
यहाँ आप देखें तो ये दोनों चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका जो भी प्रोडक्ट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन के ऊपर डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हुआ, थोड़े थोड़े से चार्जेस हैं, दे विल अप्लाई द फोर्स वेरी मिनिमल लेवल, और इफ़ दीज चार्जेस आर ग्रेटर इन द साइज एंड द वैल्यू तो वो एक दूसरे को ज़्यादा कशिश के साथ अप्लाई कर सकेंगे। मकनातीस की किसी भी मिसाल को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिविन द वैल्यू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू। द सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था कि द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर, सो द स्क्वायर ऑफ आर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द फोर्स अप्लाई। जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी फोर्स कम लगेगी, जितना कम फासला होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। सो इन दैट वे वी कैन से दैट के द स्क्वायर ऑफ आर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द फोर्स ऑन द चार्जेस अप्लाइड बाय द चार्जेस। ठीक है, बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन ए एंड बी, वी कैन गेट अ रिजल्ट। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। रिजल्ट को फोकस कीजिएगा, वी विल गेट दिस रिजल्ट। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वी आर फैमिलियर, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है इक्वल टू के साथ। सो इन दैट वे वी विल गेट द फाइनल फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ। फाइनल फॉर्म हमारे पास नजर आ रही है, एंड दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ विच शोज के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के जो है वो क्वेश्चनेबल है, के की वैल्यू को हमें जरा सा गो थ्रू करना है। इसके लिए हम बोर्ड पे जाएंगे, देखेंगे कि ये वैल्यू किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई या डिफाइन करती है। ओके, तो फ्रॉम द कूलम्स लॉ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता था। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ के, के इज अ कूलम्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, के क्या है, कूलम्स कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 8.99 × 10⁻⁹ या 8.9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया। फॉर द यूनिट वी नीड टू यूज दिस डेफिनेशन, इसके यूज करते हैं। के की वैल्यू निकालनी, के इधर ही आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू वन क्यू टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्यू वन क्यू टू यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। व्हाट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फासले का मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है। चार्ज का यूनिट अभी हम पढ़ने वाले हैं, कॉलम होता है, तो ये भी कॉलम हो गया और ये भी कॉलम हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ कॉलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर ये वैल्यू है। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है के की ऑफिशियल। वी कैन यूज दिस वैल्यू इफ यू रियली नीड दैट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास के बारे में थोड़ी और डिस्कशन दी हुई, के बराबर किसके होता है, के बराबर होता है 1/4 πε₀। ठीक है, तो 4 तो हमें पता है कि 4 ही होता है, पाई की वैल्यू वी नो दैट सर्कमफेरेंस और रेडियस का रेशो होता है डायमीटर का, तो 22/7 वैल्यू होती है। बट व्हाट अबाउट द एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इट इज़ अ परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर की परमिटिविटी यानी जो चार्जेस हवा में गुजरते हैं वो गुजरने की सलाहियत क्या कहलाती है एयर के अंदर, उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी और मीडियम से, फॉर एग्जांपल लोहे से या किसी और चीज़ से चार्ज को गुजार रहे हैं, मैं यहाँ एक डायग्राम क्विकली बनाता हूँ, ये समझें प्लेट है और आपने चार्ज इससे गुजारना शुरू कर दिए। ठीक है, ये प्लेट जो आपको नज़र आ रही है तो ये एक मीडियम हो गया, तो इस सूरत में इधर इसके मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। एप्सिलॉन आर इज़ अ परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, परमिटिविटी ऑफ इन एयर है और एप्सिलॉन आर क्या है, परमिटिविटी इन एनी अदर मीडियम। तो इस केस के अंदर इस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 πε₀ और एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.89 × 10⁻²-12 और यूनिट इसका होता है कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू है हमारे पास। एक और चीज़ जहन में रखें कि एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर यहाँ पे जब हवा यूज़ करें यानी चार्जेस ऐसे ही घूम रहे हैं तो हवा यूज़ हो रही है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है हमारे पास और उस 1 वैल्यू को हम लेते हैं। ये डिस्कशन आपके कोर्स कॉन्टेंट से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन उम्मीद है कि आपको कूलम्स लॉ समझ में आया होगा। कूलम्स लॉ इज ऑल अबाउट द चार्जेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन दैम डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दैम एज वेल एज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के विच इज कॉन्स्टेंट फॉर द कूलम्स लॉ। और ये वैल्यू हमें नजर आती है।
ठीक है जी, यहाँ तक जब आपको समझ में आता है कॉलम्स लॉ, उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई और इशू नहीं होगा आपको। बस यहीं तक हम अपना ये वाला लेक्चर रखते हैं, इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा जिसको हमने थोड़ा सा आगे डिस्कस करना है। आपकी स्क्रीन पे वैल्यूज़ भी आ रही हैं, ये हमने कर लिए, लेकिन यूनिट ऑफ चार्ज यानी कॉलम कहाँ से आया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कॉलम की वैल्यू मैंने लिखी थी 1/f(4π)ε₀ε₀r, तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ सकती है, क्लियर हो सकती है। हाँ, कुछ कन्वर्जन हैं जो इसी लेक्चर में आप देख सकते हैं। 1 मिली कूलम किसके बराबर होता है, 10 मिली का मतलब 10^-3, माइक्रो 10^-माइक्रो किसी भी चीज़ के साथ लगा होगा 10^-6, और माइक्रो माइक्रो कूलम जो है हमारे पास वो 10^-7, इसको पीको कूलम भी बोल सकते हैं। तो लिहाजा ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी आप, ताकि ठीक से इसको गो थ्रू कर सकें। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अगला हमारे पास जो लेक्चर की हाईलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर गोइंग टू स्टार्ट, इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू मेक द बेस ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन इसको अगर आप बेस बनाना चाहते हो तो अगले लेक्चर को मिस नहीं करना है आपने और गो थ्रू करना है। वंस यू बी फैमिलियर विद द चैप्टर, इंशाल्लाह यू विल लर्न अलॉट। उम्मीद है आपको कॉलम्स लॉ या इस तरह की तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। होमवर्क इसका क्या है, होमवर्क आपका सिर्फ यही कि कॉलम्स लॉ की प्रैक्टिस कीजिए, और कॉलम्स लॉ आपको जब समझ में आता है तो उसको जो है गो थ्रू करते हुए काम को आगे बढ़ा लें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और उस अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाजमी रखिए भाई, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ओके, जोकर साइड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।